चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानत की 9 दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाने की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज कर दी थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया था कि जमानत की 9 दरख्वास्तें मुतलका अदालतों में जेरे इल्तवा समझी जाएं, मुकदमात में मुतलका अदालतों के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोका जाए और मुतलका अदालतों को 9 मुकदमात के फैसले मेरिट पर करने की हिदायत की जाए। साबिक वजीर आजम के खिलाफ दर्ज 9 मुकदमात में से 3 मुकदमात 9 मई के वाकयात के हैं। इसके अलावा 3 मुकदमात इस्लामाबाद में एहतजाज करने के, जबकि इन मुकदमात में तोशाखाना जालसाजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इकदाम कत्ल का एक एक मुकदमा भी शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।